नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज फेसबुक से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप अलग अलग वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को चलाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि फेसबुक कैसे उन एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है, कैसे ये लॉगिन से जुड़ा हुआ होता है, कैसे फेसबुक पे ईमेल कनेक्ट होती है, ईमेल आप अलग अलग एप्लीकेशंस पर दे देते हैं लॉगिन करने के लिए। तो दोस्तों, ये सारी एक्टिविटीज़ को आप फेसबुक से कैसे रिमूव कर सकते हैं, कितनी वेबसाइट और एप्लीकेशंस को आपने अपना एक्सेस फेसबुक को दे रखा है, ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। हम चलते हैं फेसबुक अकाउंट पर। यहाँ चलने के बाद दोस्तों, हमें सेटिंग्स पर चलना है, और सेटिंग्स पर आप देख सकते हैं यहाँ जो ऑप्शन आता है नीचे, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पर आप टैप कीजिए। आप जैसे ही सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, आप यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ नीचे आना है, और यहाँ आप देखिए, यहाँ ये दो जो ऑप्शन आ रहे हैं सिक्योरिटी के अंदर, एप्स एंड वेबसाइट्स, उसके नीचे आ रहा है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। ये दोनों ऑप्शंस के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको ऐप्स एंड वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मैनेज द इन्फॉर्मेशन यू शेयर विद ऐप्स एंड वेबसाइट्स यू हैव लॉग्ड इनटू विद फेसबुक। हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जितने भी एप्लीकेशंस को हमने लॉगिन अपने फेसबुक से दे रखा है, वो यहाँ पर आ जाता है। व्यू मोर अबाउट इन्फॉर्मेशन एप्स कैन एक्सेस, आप ये पूरा यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये कैसे काम करता है, या सब कुछ दे रखा है। अभी आप देख रहे हैं Gaana.com जो है ये एक्टिव है हमारे अकाउंट पर, और अकेला यही एक्टिव है। आप जब अपने फेसबुक अकाउंट के इस ऑप्शन पर आएंगे, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि कितने सारे एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स को आपने अपना एक्सेस दे रखा है, और आपको उन एक्सेस को हटाने के लिए करना क्या है। ये जो Gaana.com एक्टिव के सामने जो आपको टैब दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ लिखा गया है कि लॉगिन कब हुआ था, ये क्या क्या ले रहा है, नेम और प्रोफाइल पिक्चर ले रहा है, ईमेल एड्रेस भी जो है यहाँ से ले रखा है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये देखिए, जो रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। हाल फिलहाल मुझे इसे रिमूव नहीं करना है। और भी जो ऑप्शंस आएँ, आप जिनको रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जिनको हटाना चाहते हैं आप हटा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं पीछे। और ऑफ फेसबुक एक्टिविटी क्या होता है, व्यू और क्लियर एक्टिविटी फ्रॉम बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन यू विजिट ऑफ फेसबुक। आप फेसबुक के माध्यम से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शेयर विद अस अबाउट योर इंटरेक्शन विद देम सच एज विजिटिंग देयर एप्स और वेबसाइट्स। यहाँ पर दोस्तों हमारा है, यू हैव नो अवेलेबल एक्टिविटी शो एट दिस टाइम, मैंने यहाँ से सभी डिलीट कर दी हैं। एक आप इस ऑप्शन को पढ़िएगा, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑफ फेसबुक एक्टिविटी क्या होता है। इसमें ये सारी चीज़ें, ये स्टेप्स दे रखी हैं, और आप एक एक करके ये स्टेप्स पढ़ते जाएंगे, आपको बाद में पता चलेगा कि यहाँ पर भी काफ़ी सारी आपकी एक्टिविटी आ रही होंगी जिनको फेसबुक ट्रैक कर रहा होता है, फेसबुक देख रहा होता है। फेसबुक को ये भी पता रहता है कि आपने कितनी देर उससे इंटरेक्शन किया, क्या क्या आपने वहाँ पर समय बिताया, कितनी एक्टिविटीज़ करी, ये सब लाइक डिसलाइक आपके वहाँ से मॉनिटर होते हैं फेसबुक के द्वारा। तो आप ऑफ फेसबुक एक्टिविटी को भी बंद कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए होते हैं। आप इनका इस्तेमाल करने के साथ साथ फेसबुक को कितने राइट्स, अधिकार अपने फ़ोन के, वेबसाइट्स के, एप्लीकेशंस के देना चाहते हैं, ये तय कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शंस के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फेसबुक के रिगार्डिंग, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। आपने आए दिन सुनी होंगी जो अलग अलग खासियत भरी खबरें आती रहती हैं, कुछ ना कुछ अजीब गरीब होता रहता है। तो आप ऐप्स एंड वेबसाइट्स ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, इन दोनों का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इस वीडियो को आप रिपीट करके जब दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।